इसीलिए से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज जब मैं सुबह सो के उठी थी ना तो मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने नाश्ता करके शॉवर करके सो गई थी मैं फिर से। एंड अभी फिर खुशी ने मुझे उठाया थोड़ी देर पहले, और मतलब कि मेरे सोने के बाद सभी लोग सो गए थे, खुशी भी अभी सो के उठी है। मुझे भी नींद आ रही थी, मैंने हम लोगों ने सब लोगों ने खाना खाया उसके बाद तो मैं भी सो गई, क्योंकि हाँ। देखते देखते मैं भी सो गई। हाँ तो सब लोग सो गए थे, और फिर अभी ना बहुत प्यारी बारिश हुई, काफ़ी तेज अच्छी वाली बारिश हुई। भगवान जी शायद ने मेरी शिकायत सुन सुन के ना परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अच्छी खासी बारिश भी करवाई। अभी का मौसम थोड़ा शांत है, अच्छा है, आपको दिखाती हूँ। तो अभी का मौसम तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और अभी बैठ के पी रहे हैं हम लोग चाय। खुशी ने बस पहले तरीके से चाय बनाई है और आके बोलती है दीदी चलो उठ जाओ, बारिश हो रही है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप जल्दी से उठ जाओ। तो फिर अभी उठी हूँ, अभी भी थोड़ा ना फेस से समझ में आ रहा होगा कि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, पर थोड़ा ठीक लग रहा है। सुबह से बहुत ख़राब लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए आज मैं बहुत लेट हो गई इन सारी चीज़ों के लिए। तो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये एयर फ्रायर होता है ना, हम लोगों ने बहुत टाइम पहले लिया नहीं था एक्चुअली। जब हम ट्रेंड से शॉपिंग करते हैं ना, तो 10-12 हज़ार की जब भी शॉपिंग करो तो वहाँ से कुछ अच्छा गिफ्ट मिलता है, तो हमको ये वाला एयर फ्रायर मिला था उस टाइम पे। और इस बात को नियर अबाउट मुझे लगता है कि 1 साल हो गया और हमने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो आज हम सोच रहे हैं कि आज हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये मतलब वर्क करता है या नहीं करता। मैंने जस्ट इसको ओपन किया है और इसको ट्राई करके भी देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि मैंने कभी इसमें कुछ भी बनाया नहीं है, बट आज फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। काम के 6:30 और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया इन लोग के लिए खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ये लोग बहुत परेशान हो रही कि इसको खोलते कैसे कैसे बना फ्रेंच फ्राई बना रहे हैं। उनको जब से ये आया है ना हम लोग ने खोले नहीं, क्योंकि आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, और इसमें ना देखो कितनी सारी चीज़ें बना सकती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी है और इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी फोटो दी है ना डिशेज की, देखते भी मैं पानी आ रहा है। हाँ देखो इसमें साबूदाना बना सकते हैं, ठीक है, और देख समोसा बना सकते हैं, ये जो भिंडी फ्राई मेरे को ये वाली जो पसंद है ना, वो वाली भिंडी भी बना सकते हैं, बहुत सारी मतलब अपन ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और ऑयल भी कम लगता है इसमें। तो पता है क्या हुआ अभी, ऐसा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहाँ से बोलूँ, वाला तो ठीक है मैंने वीडियोज में देखा है, मैं पूछ रही थी यहाँ पे ऐसे गोल गोल है तो इसका तो कुछ तो काम होगा, बोलती है इसका क्या काम हो गया, ये तो हीट करने के काम मतलब हम लोगों को बनाना है फ्रेंच फ्राइज पर आटा कुछ भी नहीं इसीलिए मैंने बोला सिर्फ इन लोगों को बातें करनी आती है, खाना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है कि इनको एटलीस्ट कुछ तो आए ये देखो एक और आ गई है, कोई काम नहीं भाई इसका, कोई भी काम नहीं है। नहीं 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 दोस्तों ये झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती, सच बोल रही है। देखा है ना सारी खुशी ने ना पूरा आलू चॉप किया, हाँ तो आज मैंने बनाया नहीं ना, आज मैंने बनाया नहीं ना, इसलिए ये लोग परेशान हो रहे, तो डेली मैं बना के दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इतने सारे आलू चॉप किए, हाँ बहुत काम से मैं ही बना रही और कोई नहीं बना रहा, सिर्फ ये लोग सिर्फ सूट बेच रहे हैं बस, सिर्फ बताना चाहते हैं बस, नहीं कम था मतलब, फिर मैंने बना डाल लिया था थोड़ा सा। अच्छा बना है, एकदम क्रिस्पी लग रहा है, बना अच्छा है, बट मैंने अपना हाथ जला लिया बनाते बनाते, मेरा ना वो जो उसका वो था जिसमें ये बन रहा था, तो वो मैंने उसको पकड़ लिया मेरा हाथ जल गया, मेरे साथ हमेशा होता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसे बनाने जाती हूँ, आजकल हाथ जला लूँगी कुछ ना कुछ, फ्रेंच फ्राइज अच्छे बने हैं।
बनाते रहते तो उतना मतलब नहीं रहता, आप कभी कभी बनाओ तो हाथ जलने चल जाता है, पर बहुत टेस्टी बने हैं। मेरे को नहीं पता कि तुम लोग सो ये सुन के क्या जज करोगे। अभी हम लोग आए हैं क्या खाने, दावेली तो फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, मतलब मेरा हाथ जल गया। देखो ये ना फ्रेंच फ्राइज बनाते बनाते ना आज मेरा हाथ जल गया, तो फिर हम लोगों ने चलो ठीक है जैसे जैसे खा लिया, खाने के बाद भी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद भी पेट तो नहीं भरा। फिर हम लोग आए हैं अभी दावेली खाने के लिए। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग दिन भर ठूसते हैं, आपको सही लगता है हम लोग क्योंकि दिन भर ठूसते ही रहते हैं। तो अभी हम लोग दावेली खाने आए हैं और यहाँ की दाबेली सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एक छोटू से दाबेली का ठेला है, लेकिन देखोगे ना आप लोग तो यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ है। तो एक तो छोटू सा ठेला है लेकिन ना बहुत सारे लोग हैं। अभी जब हम लोग आए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी तो काफ़ी लोग चले गए हैं, अभी फिर भी हैं बहुत सारे लोग हैं। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गाजर का हलवाई करके उसके अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो, ये उठाओ रे दोनों, ये उठाओ। नहीं, उठाओ जल्दी, अब मैं दावेली के अंदर गाजर खा लूँगा। अलग नहीं लगता है पहले? टेस्ट कैसा लग रहा है ये बताओ? दावेली जैसा। इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते, तो मेरे को कहाँ आना है? हमारे घर की ये हेल्थ कॉन्शियस लड़की है जो कि बारिश हो रही है इसको फिर भी वॉक करने जाना है। देखो दिखा दियो। हाय बेबी, अंदर रखा है हमने, अंदर रखा है हमने, कुछ भी नहीं है। सो ओके गाइस, देखो नाइट लाइट यहाँ पे कितनी अच्छी आ रही है और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश हो रही है। मुझे अच्छा लगता है यार, मतलब ठीक है नहीं आती है नाइट लाइट बट मुझे तो अच्छी लगती है, देख के सुकून मिलता है मुझे, बस पता नहीं क्यों। कभी ना सुनूं आया, कभी ना करारा ओके दिखाओ ये आइसक्रीम फेंकने वाली लड़की, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पैकेट लाते हैं हम लोग आइसक्रीम, इतना महंगा महंगा खून पसीना बहा के कमाते हैं और वो उसके दो निवाले खाने का ऐसी फेंकी जाती है। आलू बुखारा लाए हमने, आलू बुखारा, आलू बुखारा खा के आज मुझे बुखार आ गई थी। हाँ तो इसीलिए फिर मैंने आलू बुखारा बाइट खाई उसकी, उसके बाद टमाटर लग रहा, टमाटर से कई गुना महंगा है वो। सुनना कल सब्जी में डालना टमाटर, लगाना सब्जी में डलवाना, ठीक है। इसको छोड़ दे, दूसरे वाले जो रहेंगे ना वो ये झूठे हो गए। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।